ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहुलोक फैले उजियारी। ससिलाट मुख महाविलासा, नेत्र लाल भुकुट विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय की ना पाल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ शाश्वती एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज है 2 अगस्त 2024, दिन है शुक्रवार और आज ना सावन का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज परदोष व्रत भी है और जिससे सारा दोष कटता है वो व्रत आज होता है। और उसके साथ ही कुछ और है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो दो बहुत अच्छा दिन आज सावन में पड़ा है, तो बहुत अच्छा दिन माना जाता है आज का। तो आज मैं इसीलिए सोची कि व्रत करूँ और आज मेरा व्रत है। तो मेरा पूजा हो गया है, सुबह का सारा काम मैंने पहले ही कर लिया था क्योंकि मुझे पूजा करना था। और पूजा के बाद आरुष बोल रहा था आरुष को भी व्रत करना है, पर मैंने बोला कि नहीं तुम अभी मत करो क्योंकि उसका आज क्रिकेट है तो नहीं कर पाएगा। वैसे तो उसका व्रत मतलब मैं उसको आधा दिन के बाद कुछ कुछ खिला देती हूँ। तो और यहाँ मैं अपने लिए फलहारी बनाऊँगी। यहाँ मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, बिल्कुल साफ़ सुथरा करके अलग से एकदम। और यहाँ पे बर्तन मेरे पास नहीं है अलग से कि मैं अलग बर्तन में खाना बनाऊँ वो सब, तो वो मुझे करना होगा। फल मेरा रखा हुआ है तो मैं फ्रूट्स ही खाऊँगी। अभी तो एक सेब खाऊँगी, उसके बाद देखती हूँ थोड़ा ड्राई फ्रूट्स खा सकती हूँ तो ड्राई फ्रूट्स खाऊँगी। और मैं अभी अनिल और आरुष के लिए खाना बना रही हूँ। तो और मैं आज उन लोग के लिए बनाऊँगी पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी को मैं क्या करती हूँ ना कि जैसे कि लोग पत्ता गोभी को काट के धोते हैं, तो काट के नहीं धोना चाहिए। पत्ता गोभी को मैं पहले ही ऐसे धो लेती हूँ अच्छे से। उसके बाद मैं इसे बनाती हूँ। और इसका रीज़न ये है, एक तो इससे क्या होता है कि आप कोई छुआ है कि साथ से ये साफ हो गया, अंदर आपको कोई टच नहीं होता है तो अंदर धोने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और दूसरा रीज़न है कि जब मैं दिल्ली में रहती थी तो मेरी फ्रेंड थी, वो ना वो लोग बहुत ज़्यादा पत्ता गोभी का यूज़ करते थे क्योंकि वो दार्जिलिंग से थे। तो उन्होंने मुझे बताया था कि पत्ता गोभी को हमेशा बाहर से धोया करो। जो वेजिटेबल्स तुम अंदर से मतलब धोने का ज़रूरत नहीं है, अंदर टच नहीं होता, उनको बस बाहर से धो लो उसके बाद उसे काटो। तो तब से मेरा आदत है कि मैं पत्ता गोभी को बाहर से धो लेती हूँ और फिर उसे काटती हूँ। और हाँ, अगर आपका फ्रेश पत्ता गोभी है तभी, अगर बासी है और अंदर आपको कीड़ा दिख रहा है तब तो आपको धोना ही पड़ेगा। तो ये है। तो आज मैं पत्ता गोभी गाजर आलू का बिल्कुल सात्विक खाना बनाऊँगी, अनिल और आरुष के लिए भी और मेरे लिए फलहार होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं अपना चाय पीती हूँ और उसके बाद फिर मिलते हैं। फ्रेंड्स, ये बन रहा है मेरा साबूदाना। ये एक फलहार है, जिसे नहीं पता साबूदाना और आलू दोनों ही फलहार में माना जाता है। तो मैं पहले भी जब सोमवारी करती थी, पूरे साल करती थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सावन में करती थी, तब भी मैं ना साबूदाना और आलू का ऐसे सेंधा नमक में खाती थी और वही आज मैं की और खा रही हूँ। तो ये फलहार में आता है। आप चाहे तो सिर्फ आलू को भी उबाल के और उसे सेंधा नमक और घी के साथ फ्राई करके खा सकते हैं। तो इस तरह मैं ये बहुत अच्छा बनता है, तो यही मैं बनाई। आपको रेसिपी चाहिए होगा तो कभी बताइएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। ये है नेक्स्ट डे का ब्लॉग, क्योंकि उस दिन मैं फास्टिंग की थी तो थोड़ा थकान था, मैं और रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो दूसरे दिन सुबह मैं उठी, जैसे मैं उठती हूँ 4:30 बजे, अपना ब्लॉग पोस्ट की और फिर मैं अपना घर का काम सारा कुछ की, साफ़ सफाई, खाना बनाना, बर्तन धोना। कल बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाई थी रात को तो इसीलिए, और ख़ुद भी बना के नाश्ता खाई। उसके बाद नाश्ता कर ली और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़े कपड़े थे उन्हें मैं फ़ोल्ड करने बैठी। हाँ, मैं पूजा करके झाड़ू पोछा करके पूजा भी कर ली हूँ नहा धोआ के। इसके बाद मैं फ़ोल्ड करने बैठी हूँ क्योंकि रात को 10 बजे आरुष का क्रिकेट था, जो वो लोग 10 बजे आए थे क्रिकेट खेल के। तो मुझे 10 बजे के मैं नहीं कर पाई, मैं थक गई थी, तो इसीलिए मैं उसको थोड़ा सा धूप दिखा दी। और अब मैं इसका ये जो आप देख रहे हैं वाइट वाइट, ये आरुष का क्रिकेट का यूनिफॉर्म है। तो मैं इसे फ़ोल्ड करके एक जगह रख दूँगी। तो क्या होता है कि ये 2 दिन पहन लेता है ना, तब मैं इसे फींचती। हूँ, एक दिन में मैं इसे नहीं धोती हूँ। तो ये ज़्यादा गंदा हो जाता है तो भले ही धो देती हूँ, लेकिन आज ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था। तो इस तरह से मैं चीज़ों को अलग अलग भी रखती हूँ और 2 दिन एटलीस्ट आरुष पहन लेगा तब मैं इसे धो दूँगी। तो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, आरुष को कपड़े को अलग रखूँगी, अनिल के कपड़ों को अलग रखूँगी, अनिल आरुष को जो छोड़ने गया था वो, और ये मेरा पैंट है जिसे मैं फोल्ड कर रही हूँ। तो मेरा आदत है ना जब का तब काम कर लेने का, और अगर आप आलस करते हैं तो हमेशा चीज़ें इकट्ठा होने लगती है। और जब काम मुझे ही करना है, घर का सारा काम मैं करती हूँ अकेले करती हूँ, चाहे वो कपड़ा धोना हो, सुखाना हो, फोल्ड करना हो, झाड़ू पोछा हो, खाना बनाना हो, घर का राशन लाना हो, आरुष को पढ़ाना हो, मुझे पढ़ना हो, या फिर पूजा करना हो, सारी चीज़ें, क्लीनिंग, बाथरूम क्लीनिंग हो, किचन क्लीनिंग हो, जो भी हो, सारे काम जब मुझे करने हैं तो मुझे लगता है आलस करके तो फ़ायदा है नहीं, मेरे लिए कोई 24 घंटा, 28 घंटा या 30 घंटा तो होगा नहीं, तो मैं उसी वक्त करती हूँ। और एक चीज़ मैं करती हूँ जो आप भी ट्राई कर सकते हैं, मैं चीज़ों को ना अलग अलग रखती हूँ, बिल्कुल सेपरेट रखती हूँ और अपने अपने जगह पे रखती हूँ। जैसे कि मैं अनिल का जो टी शर्ट फोल्ड कर रही हूँ वो टी शर्ट की जगह रखूँगी और शर्ट को शर्ट की जगह, पैंट अलग, शॉर्ट्स अलग, रूम। और इसी तरह से आरुष का भी यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म, क्रिकेट यूनिफॉर्म, आरुष के टी शर्ट्स, बाहर के कपड़े, सब मैं अलग अलग रखती हूँ। इससे एक फ़ायदा मुझे क्या होता है, मुझे एक काम को पूरे दिन नहीं करना पड़ता है। ऐसे जब मैं एक साथ रखूँ तो एक कपड़े को लेने में, एक शॉर्ट लेने में वो सारा जीन्स और बाहर के कपड़ों को भी इधर उधर कर देते हैं लड़के। तो इसीलिए मैं चीज़ों को अलग रखना पसंद करती हूँ। तो ऐसे सेपरेट रखने से ना आपके काम भी, घर भी अच्छा लगता है, सुंदर सजाया हुआ लगता है, और साथ ही साथ जो घर के दूसरे मेंबर्स होते हैं उनको कपड़ा सिलेक्ट करने में और मतलब देखने में बहुत आसान हो जाता है, कपड़ा आसानी से मिल जाता है, आपको बार बार पूछते नहीं है ये क्या है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, तो ये प्रॉब्लम नहीं होता है, आराम से जाएंगे और अपना कपड़ा वो ले सकते हैं। तो इसीलिए मैं ऐसा करती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं सुबह से उठ के 4:30 बजे उठती हूँ और 4:30 बजे से ले कर के रात के 12 बजे तक मैं काम करती हूँ, और मैं अकेली ही सारा काम करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड हेल्प नहीं करना चाहते या मेरा बेटा हेल्प नहीं करता है, वो दोनों ही बहुत हेल्पफुल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे घर का काम खुद से करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे अपने आप को घर के कामों में बिज़ी रखना बहुत अच्छा लगता है, बजाय इसके कि आप 4 लोगों से बात कीजिए और 4 लोगों का टेंशन लीजिए, कोई कुछ बोल दिया, कोई, जब हम कहा किसी से बात करते हैं तो कुछ ना कुछ तो किसी का बात कभी बुरा लग जाता है हमें, या हमारा बात कभी किसी को बुरा लग जाता है। यहाँ मैं उन लोगों के लिए सब्ज़ी बना रही हूँ, मैं अपना सब्ज़ी थोड़ा सा रात का बचा हुआ था उसके साथ रोटी खा ली थी, तो मैं आटा गूँथ ली और यहाँ पे उन लोगों का आलू पत्ता गोभी का फ्राई बना रही हूँ। कल मैं आलू पत्ता गोभी गाजर का सब्ज़ी बनाई थी, तो इसीलिए आज मैं सोची कि आलू और पत्ता गोभी को जस्ट फ्राई कर दूँगी प्याज के साथ, तो उन लोगों को अच्छा लगेगा। तो इसी तरह से, इसीलिए मैं ज़्यादा फ़ोन में किसी के साथ बात करके या फिर ब्लॉग भी देखो, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अगर आप फ़ोन में रहोगे ना तो आपका सिर में दर्द होने लगेगा, आँखों में दर्द होने लगेगा। तो इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ज़्यादातर अपने घर के क्लीनिंग में, साफ़ सफाई में अपना समय बिताऊं। और हाँ, कल मेरा फास्टिंग था तो उसमें डिहाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी था, तो इसीलिए मैं समय समय पे आज पानी पी रही हूँ। और अगर आपका प्रेशर लो है तो आप इस पानी में नमक मिला सकते हैं और नमक के साथ पी सकते हैं। जब आप फास्टिंग करते हैं और पानी नहीं पीते हैं तो दूसरे दिन बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप पानी पीजिए। और अगर आपको प्रेशर है तो जैसे मैंने बोला, नमक पानी पीजिए, और अगर आपको बहुत कमज़ोरी है तो आप नमक और चीनी का घोल पीजिए सुबह उठ के ही 2-3 बार, उससे आपका कमज़ोरी चला जाएगा। और इससे भी अच्छा होगा अगर आपके पास ग्लूकोज़ है तो ग्लूकोज़ पी लीजिए, ग्लूकोज़ वाटर 2-3 बार पी लीजिए। तो सुबह सुबह मैं ना किचन टॉप को, सबको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि रात को पता नहीं कोई कीड़ा मकोड़ा गया हो, कुछ हो, तो इसीलिए ये मेरा शुरू से आदत है। और अभी मैं, कोई तेल का छींटा पड़ा होगा अगर सब्ज़ी बनाई हूँ तो, और तो इसीलिए एक बार फिर से क्लीन करूँगी। और अभी ना मैं दोबारा से, मतलब 3rd टाइम जब मैं क्लीन कर रही हूँ और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं खुद का ही क्लीनिंग देख रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड का एक बात याद आ रहा है। जब मैं मेरे हस्बैंड या बेटे को डांटती हूँ या फिर मतलब जैसे गुस्सा करती हूँ कि तुम लोग हर तरफ गंदगी करते हो, फैला के रख देते हो, तो वो बोलते हैं कि तुम साफ, घर को साफ़ करते रहती हो इसीलिए हमें दया आता है, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हम तुम्हें काम दे रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, तो तुम खुश हो जाओ कि और तुम्हें काम मिला। तो मुझे ये बात याद आ गया अभी और मुझे हंसी आ रहा। उस टाइम में तो सच में बहुत गुस्सा आता है जब वो ऐसा बोलते हैं तो, लेकिन अभी मैं सोची तो मुझे हंसी आ गया। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं कुछ 2:30 बजने वाले हैं दोपहर के, और अनिल चला गया है क्रिकेट के यहाँ, क्योंकि आज है सैटरडे और आपको जैसे कि पता है कि सैटरडे और संडे अनिल का क्रिकेट रहता है। आरुष का आज क्रिकेट नहीं है, कल गया था क्रिकेट खेलने। और कल मेरा फास्टिंग था, आप लोगों से मैंने शेयर किया था कि मेरा फास्टिंग था कल। तो कल मैं इसीलिए ना, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं सस्ती हूँ, फिर भी कल बहुत बड़ा दिन था सावन का। मतलब कल आपका प्रदोष व्रत था सावन का, जो हर महीने का एक जो शिवरात्रि आता है वो कल शिवरात्रि भी था, और भी कुछ एक दिन था, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन मैंने YouTube में ही देखा था कहीं कि कल एक और कुछ था। आपको अगर पता है तो ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो मैं सोची कि मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मैं ना बहुत बचपन से सावन का सोमवारी करती हूँ, तो ये पहला साल है जब मैं सोमवारी ना कंटिन्यू नहीं कर पाई मेरे सिर दर्द के कारण। तो मैं सोची कि नहीं, मैं ना सावन का सिर्फ सोमवारी नहीं करती थी, मैं पूरे साल मैं सोमवार को व्रत रखती थी। मतलब ऐसा था इंडिया में। यहाँ आके मैं इतना ज़्यादा बीमार होने लगी तो मेरे हस्बैंड बोले कि देखो बचना ज़्यादा ज़रूरी है, कि तुम जिंदा ही नहीं रहोगी तो कहाँ से तुम व्रत करोगी। तो इसीलिए फिर ना मैं बंद कर दी वो करना। तो अभी मैं यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है आपको, खाना वाना मेरा बन रहा है और अनिल खाना खा के चले गए हैं ऑफिस, और बस मेरा थोड़ा बहुत काम बाकी है। मैं तो टाइमली पूरा, अच्छा हाँ, आप लोगों को एक चीज़ मैं नहीं दिखाई, मैं यहाँ पे ना ये एंटिक ली थी, ये इजिप्ट का है और ये ब्रांडेड है जैसे आप देख रहे हैं। बहुत अच्छा था, मुझे ये बहुत अच्छा लगा तो मैं ये ली। और ये कैंडल शायद मैं ये जो था लैम्प, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर की थी शायद, ये मैं दुर्गा पूजा के लिए ली हूँ। जब नवरात्रि चलता है ना तो इसके अंदर मैं ना कैंडल रख दूँगी। यहाँ पे तो दिया नहीं जला सकती हूँ, तो मैं सोची कि मैं कैंडल रख दूँगी ना तो वो अच्छा लगेगा और भगवान जी के पास मैं रख दूँगी, इसीलिए। तो ये दो चीज़ मैं ली थी, तो मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और मेरा जो पेड़ है उसका अपडेट मैं हमेशा आप लोगों को देती हूँ, तो आज कैसे नहीं दूँ। तो आप देखिए ये पेड़ कितना बड़ा हो गया और कितना घना हो गया। मुझे देख के इतना खुशी होता है ना, मुझे बहुत प्यारा लगता है ये। मतलब मेरा पेड़ जब बड़ा होता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो सारे पेड़ पौधे इतने खुश रहते हैं, मेरे घर में खिले खिले से रहते हैं कि क्या बोलूँ। और अगर मैं इसको सामने से दिखाऊँ ना, ये जो बढ़ रहा है वहाँ से, देखिए अभी भी कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, इसको नज़र ना लगे मेरे पेड़ को। लेकिन मुझे बहुत खुशी होता है कि जब मेरे पेड़, मैं जब इंडिया में भी रहती थी मेरे पास ना इस तरह के करेला और सारा चीज़ उगता भी था मेरे बालकनी में ही। तो यहाँ तो खैर बालकनी भी नहीं है, मैं खिड़की में ही उगा रही हूँ, तो भी ये हो रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ इसके साथ। और बाकी जो मेरे प्लांट्स थे, आधा प्लांट्स को ना मैं उस विंडो में शिफ्ट कर दी हूँ, क्योंकि एक विंडो में ज़रा खिचपिच हो रहा था। तो 3 गमले यहाँ रखी हूँ और 3 गमले उस वाले जो लास्ट वाला मेरा बेडरूम है उसमें, और बीच वाले बेडरूम में मैं 2 रखी हूँ। तो इसी तरह से थोड़ी देर में अनिल आ जाने वाले हैं, और फिर मैं सोच रही हूँ कि आज मैं लिडिल जाऊँ और लिडिल जाके थोड़ा बहुत जो सामान खरीदना है वो सब मैं ख़रीद लूँ। मेरा तो रोज़ का हो गया है लिडिल जाना, तो मुझे जाना ही होगा, क्योंकि अनिल ना कल बहुत सारा सामान नहीं लेके आए थे, तो वो कुछ सामान मुझे लेना होगा, जो ज़रूरत का सामान होता है थोड़ा बहुत। और एक बार में सामान यहाँ नहीं आ पाता है, आपको थोड़ा थोड़ा करके ही हो पाता है। तो कल तो बहुत कुछ ले आए थे, थोड़ा और भी मुझे फ्रूट्स चाहिए। तो जैसे कल आपने देखा कि कल अनिल बनाना लाए थे और आज ख़त्म हो गया बनाना, तो होता है ना, तो इसीलिए मुझे और भी थोड़े फल चाहिए और थोड़े बहुत और सामान घर का चाहिए, तो इसीलिए मैं जाऊँगी। और अगर मैं गई तो हाँ, मैं सिंदूर आजकल, अभी सावन का मैं पूजा कर रही हूँ ना, तो मैं सिंदूर रोज़ का रोज़ ऐसे ऑरेंज वाला लगाती हूँ। हमारे यहाँ ऑरेंज का सिंदूर चलता है, तो वो ना दिखता है अच्छे से, काफ़ी अच्छा लगता है ना। तो आप कौन सा सिंदूर लगाते हैं ज़रूर बताइएगा। यहाँ मैं भगवान जी का ही लगाती हूँ, जैसे माँ दुर्गा को, लक्ष्मी जी को सिंदूर लगाती हूँ ना, तो उसी का जो उंगली में रह जाता है, तो वो ये सोच के कि माँ दुर्गा मुझे लगा रही है और मैं लगा लेती हूँ इस तरह से। यही मतलब ऐसे ही शुरू से मैं पूजा करती हूँ, क्योंकि उनका सिंदूर हम नहीं लगा सकते ना, तो ये सोच के आप लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हो रही है। और हाँ, मैं आज मैं थोड़ा ठीक हूँ, भगवान की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से आज मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ शिद्दत से, क्योंकि मैंने आपको बोला था। बस मैंने एक चीज़ चेंज किया, वो है अपना सोने का टाइम थोड़ा सा बढ़ाया, और इससे मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला है। अपॉइंटमेंट तो है ही, मुझे दिखाने जाना ही है, तो लेकिन फिर भी मैं उससे पहले सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत जितना भी मैं ठीक कर सकूँ ये सब रूटीन को, कि उनको बोल सकूँ कि मैं रूटीन में हूँ, तो वो चीज़ें मैं करूँगी जो मैं कर सकती हूँ। तो बस इसके बाद मैं जा रही हूँ। अभी थोड़ा वो जो बेडरूम है मेरा बड़ा वाला, वो बेडरूम थोड़ा सा अनिल जाने से पहले ना पूरा रूम को ना एकदम ऐसे मेशी कर देता है, मतलब इधर उधर कर देता है सामान, तो वो थोड़ा सा मुझे साफ़ करना है। तो इसीलिए जैसे ये रूम आप देख रहे हैं, तो बेड वेड इधर तो मेरा क्लीन रहता ही है, लेकिन ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत गंदा है, वो सबको मैं साफ़ करूँगी और उसके बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो सकती हूँ। जैसे कि ये विंडो में मैंने बोला था ना प्लांट से, तो ये विंडो में देखिए थोड़े बहुत प्लांट्स इस विंडो में ऐसे दिखेंगे आपको। तो फ्रेंड्स, आप अब हो रहे हैं शाम, और शाम को आरुष को मैं स्नैक्स में थोड़ा सा इस तरह का कुछ केक्स लाई थी, तो चॉकोपाई टाइप्स, तो वही मैं आरुष को दे रही हूँ। और इसके साथ ही मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स। ये कैसे बैठे हुए हो, ठंडा लग रहा है क्या? क्या देख रहे हो? कैसा लगाइए कुकीज़, कैसा लगाइए? हाँ कुकीज़ नहीं है, केक है। केक है, अच्छा दिखा।